चर्च में क्या होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कैसा सवाल कर रही हूँ, ये तो सबको पता है कि चर्च में प्रेयर होती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक चर्च में प्रेयर की बजाय सेक्स पार्टी की गई। जी हाँ, जिसके बाद ब्रिटेन से लेकर वेटिकन तक हड़कंप मच गया। और जो सबसे हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है वो ये है कि जिस पादरी ने चर्च में सेक्स पार्टी करवाई उसने आत्महत्या कर ली। ये खुलासा सबके लिए एक सवाल बन गया। जैसे ही ये खबर सामने आई सबके मन में यही सवाल उठने लगा कि आखिर ईसाइयों की पवित्र धार्मिक स्थली चर्च में किस पादरी ने ऐसी घिनौनी हरकत की और ऐसा करने के बाद उसने आत्महत्या भी कर ली। आखिर क्यों? क्या वो सजा से डर गया या फिर लोगों से? आत्महत्या के पीछे वजह क्या थी? तो देखिए ये रिपोर्ट। बता दें कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन के एक चर्च में सेक्स पार्टी के खुलासे से बवाल मच गया है। इस घटना के खुलासे के बाद ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप एक्शन में आ गए और वेटिकन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल सेक्स पार्टी का खुलासा पूर्व पादरी रॉबर्ट बर्ने के इस्तीफे की जांच के दौरान हुआ है। जांच में सामने आया कि रॉबर्ट ब्रायन के इस्तीफे के बाद मैकॉय पादरी बनने जा रहा था। हालांकि इस बीच 2020 में मैकॉय ने चर्च में कुछ ईसाइयों को सेक्स पार्टी के लिए तैयार किया। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से लंदन में लॉकडाउन लगा हुआ था, ऐसे में चर्च खाली पड़ा हुआ था। मौके का फायदा उठाकर मैकॉय ने ये पार्टी रखी। दिलचस्प बात तो ये है कि इस मामले में इससे पहले कोई भी शिकायत नहीं हुई थी, लेकिन मामले का खुलासा होने के बाद मैकॉय के खिलाफ गवाही देने के लिए बड़ी संख्या में लोग सामने आने लगे। रिपोर्ट्स की माने तो पता चला है कि जिस चर्च में ये सेक्स पार्टी रखी गई थी उसका आज भी मजाक उड़ाया जाता है। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि पादरी ने सुसाइड क्यों किया। बता दें कि मैकॉय ने 57 साल की उम्र में साल 2021 में आत्महत्या कर ली। मैकॉय ने ये कदम तब उठाया जब पुलिस ने उसके खिलाफ बाल यौन उत्पीड़न के मामले में जांच शुरू कर दी। आरोपी मैकॉय को रॉबर्ट ने ही डीन के रूप में चुना था। अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका है कि रॉबर्ट ने भी सेक्स पार्टी में हिस्सा लिया था या नहीं। फिलहाल इस खुलासे के बाद चर्च की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।